डालना है, कुछ ही ने इंशाल्लाह नहीं कहा। तो आपका जौक नहीं सही हो पा रहा है। मैं कसम खा के कहने को तैयार हूं कि अगर आपने वोट न डाला, अगर आपने अपने मोहल्ले और खानदान के लोगों के वोट डलवाने की फिक्र न की, तो कयामत के दिन आप पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, आपको अंदाजा नहीं है कि यह खतरनाक इलेक्शन बन गया है, यह कैसा फैसला कुन इलेक्शन बन गया है। और अल्लाह की तरफ से ऐसे असबाब पैदा हो गए हैं, मेरे इशारों पर गौर कीजिए, ऐसे असबाब पैदा हो गए हैं, ऐसी संगीन गलतियां हुई हैं, ऐसे ऐसे राज फाश हुए हैं कि जिनके हाथ में मुल्क न जाए तो मुल्क तरक्की करेगा, उनकी कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी हरकतें और जराइम मंजर आम पर आ गए हैं कि अब मुल्क के आम लोग जो उनको आम हालात में शायद उन्हीं को वोट देते, वो भी अब तौबा तौबा कर रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं और तय कर दिया, ऐलान कर रहे हैं कि इनको वोट किसी कीमत पर नहीं देंगे। एक मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, इस मौके पर अगर आप सुस्त बने रहे और आपने सोचा कि वोट देना दुनियावी काम है, वोट देने का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, हम दीनदार लोग हैं, हम वोट नहीं देंगे, तो आप मुजरिम हैं, मुजरिम। मेरा गिरेबान पकड़िएगा क़यामत के दिन, मुझे तलाश कर लीजिएगा, अल्लाह के दरबार में मेरी शिकायत दर्ज करा दीजिएगा कि इसने कैसे कहा था कि हम मुजरिम हैं। मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, मैं सैकड़ों आयात की रोशनी में जवाब दूंगा। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, जब गवाही मांगी जाए किसी से और उस वक्त वो गवाही न दे, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो गुनहगार है। ला तक्तुमु शहादा, गवाही को छुपाओ मत। ये वोट क्या है? ये एक गवाही है, ये वोट ये गवाही है कि यह आदमी ईमानदार है, यह आदमी आगे बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, बेवाओं यतीमों को फ़ायदा होगा, गरीबों को फ़ायदा होगा, किसानों मजदूरों को फ़ायदा होगा, अकलियतों को फ़ायदा होगा, ओबीसीज़ को फ़ायदा होगा, दलितों को फ़ायदा होगा, औरतों को उनके हकूक़ मिलेंगे, किसी लड़की को छेड़ा नहीं जाएगा। यह है मतलब वोट देने का। आप जिसको वोट दे रहे हैं